किसी को कोई अगर शक है कि इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में, तो आज आईपीएल फाइनल के बाद आई थिंक उसको इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि क्यों इंडिया जो है वो सुपर पावर है क्रिकेट में, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है क्रिकेट की इंडिया में कि आज हमने देखा कि आईपीएल का फाइनल जो था इट बिकेम द लार्जेस्ट अटेंडेड क्रिकेट मैच. बीसीसीआई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज नाउ स्पोर्ट्स. फुल जैम पैक स्टेडियम था, मजा आया मैच देखने का. इतना बड़ा स्टेडियम और इतनी आवाम मैंने इससे पहले नहीं देखी, मतलब के जिसको कहते हैं रोंटे खड़े हो गए थे इतनी आवाम देख के. उस आवाम के अंदर मैच चल रहा था जबरदस्त किस्म का, 1,25,000 के क्राउड के सामने. और आज आईपीएल के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आएगा, मतलब के इतनी बड़ी शर्ट बना दी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है आने वाले टाइम पे. एनवायरमेंट, मतलब अब मैं अगर स्टेडियम की बात करूँ, सबसे पहले द बिगेस्ट क्राउड अवेलेबल इस वक्त जो कि मैचेस पे भरा हुआ है क्राउड, जचा हुआ है क्राउड, आई वुड से जैसे कहते हैं ना काम गचा हुआ होता है, वैसे गचा हुआ है क्राउड. तो दोस्तों कल आपने आईपीएल का फाइनल देखा, ऑब्वियसली आपने देखा होगा इतने बड़े क्राउड के सामने पहली बार हिस्ट्री में आईपीएल का फाइनल हुआ, उसी पर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन है. हालांकि ये रिएक्शन बहुत बड़ा फेक है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं डिटेल में बात. जैम पैक स्टेडियम था, मजा आया मैच देखने का. इतना बड़ा स्टेडियम और इतनी आवाम मैंने इससे पहले नहीं देखी, मतलब के जिसको कहते हैं रोंटे खड़े हो गए थे इतनी आवाम देख के. उस आवाम के अंदर मैच चल रहा था जबरदस्त किस्म का. और आज आईपीएल के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आएगा, मतलब के इतनी बड़ी शर्ट बना दी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है आने वाले टाइम पे. तो मैच की बात करें, मैच बड़ा जबरदस्त हुआ. सबसे पहली गलती संजू सैमसन की ये थी कि उसने टॉस जीत के बैटिंग की, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था ये अच्छा फैसला नहीं है. लेकिन इस तरह से जोस बटलर आज खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, लेकिन हाईएस्ट रन गेटर वही रहे. इस तरह का फाइनल आईपीएल का बना दिया है. क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज, बीसीसीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा इस एक अचीवमेंट के लिए. मैच की बात करेंगे, मैच में तो लोकल गुज्जू बॉय हार्दिक पांड्या ने तो जो आज बताया ना कि वो कहते हैं ना ये मेरा घर और यहाँ का मैं जेकान शिकरे, तो जेकान शिकरे वाली उसने परफॉर्मेंस दे दी है. ये मेरा इलाका और यहाँ का मैं जेकान शिकरे हूँ. तो जेकान शिकरे उर्फ हार्दिक पांड्या की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस एंड ऑल द लोकल सिटीजन ऑफ अहमदाबाद. व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर यू हैव क्रिएटेड, व्हाट एन अमेजिंग पावर शो इट वाज, स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर सिंह ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी यानी ओपनिंग उसके 10 गानों की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद ए आर रहमान, व्हाट एन एटमॉस्फेयर. और अनऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में आ भी जाएंगे स्टार्ट्स. अभी मैं क्रिकेट इन्फो के स्टार्ट्स भी देख रहा था कि सबसे बड़ा T20 या टेस्ट लोकल एक दिन की क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है. इससे बड़ी ऑडियंस कभी नहीं देखी गई, 1,00,000 की ऑफिशियल ऑडियंस है. अभी वो एक दफा बीसीसीआई उसकी ऑफिशियल ऑडियंस दिखा दे तो ये ऑफिशियल इसके ऊपर मोहर भी लग जाएगी. लेकिन अनऑफिशियली कह लें, अनअनाउंस कह लें, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजाने में इंडिया कामयाब हो गया. और वाकई जहां मेहनत होती है, जहां पैसा होता है और वो पैसा लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर मेहनत की जाती है, सिस्टमैटिक आपको चेंजेस दिखती हैं, तो आपको दिखता है कि वाकई मेहनत रंग लेकर आती है. और क्या खूबसूरत मूवमेंट है. आई एम श्योर जितने वहां के लोग होंगे, जो इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग होंगे, वो इतना प्राउड फील कर रहे होंगे आज इस मूवमेंट पे. मैं आकाश को सुन रहा था, आमिर खान द बॉलीवुड स्टार आमिर खान और क्या कहते हैं रवि शास्त्री, सबको सुन रहा था. एक इमोशनल सी, एक कहते ना एक टोन के अंदर एक इमोशन था और वो इमोशन जस्टिफाइड है, मैं समझ सकता हूं. क्योंकि जब एक इतना पैशनेट आप हो ना क्रिकेट या किसी गेम के लिए और उस गेम के ऊपर आप मेहनत करो और इस मेहनत का सिला जब आज आपके सामने करें कि सवेरा, मेरे ख्याल से तुम भी इस बात को अग्री करोगी, अनऑफिशियली ऑफिशियली इन व्हाटएवर टर्म्स आप जो भी कर लो, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला और वाकई सबसे बड़ा मेला. ये उस वाले हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाले मेला हम नहीं कह रहे कि नहीं जी सबसे बड़ा क्रिकेट का मेला या सबसे बड़ा मैच, ये वाकई सबसे बड़ा मेला हो गया. और उसके ऊपर जो लोकल टीम ने परफॉर्मेंस दी है, वो कहते हैं ना वो एक मजे की दाल तैयार थी, उसके ऊपर वो तड़का लगा दिया हार्दिक पांड्या ने. हार्दिक पांड्या ने कमर तोड़ दी राजस्थान की. व्हाट एन एनवायरनमेंट, मतलब अब मैं अगर स्टेडियम की बात करूं, सबसे पहले द बिगेस्ट क्राउड अवेलेबल इस वक्त जो कि मैचेस पे, क्रिकेट मैच पे क्राउड अवेलेबल, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द क्राउड. सबसे पहले आई वुड से, क्योंकि जिस तरह भरा हुआ है क्राउड, जचा हुआ है क्राउड, आई वुड से जैसे कहते हैं ना काम गचा हुआ होता है, वैसे गचा हुआ है क्राउड. और उसी के साथ साथ उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली. इट वॉज सो ह्यूमिड देयर, वी कुड सी रणवीर किस तरह ही वॉज स्वेटिंग. किसी को कोई अगर शक है कि इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में,
तो आज आईपीएल फाइनल के बाद आई थिंक उसको इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि क्यों इंडिया जो है वो सुपर पावर है क्रिकेट में, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है क्रिकेट की इंडिया में कि आज हमने देखा कि आईपीएल का फाइनल जो था इट बिकेम द लार्जेस्ट अटेंडेड क्रिकेट मैच इन हिस्ट्री। कोई 1,05,000 आदमी के करीब जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मौजूद था फाइनल देखने के लिए। और मतलब जो शौक है क्रिकेट का इंडिया में, जो मार्केट है क्रिकेट के लिए इंडिया में, जो पैशन है क्रिकेट के लिए लोगों का, जो टैलेंट अब सामने उभर के आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स यू नो ये एक वजह है कि वाई इंडिया इज सच अ बिग पावर इन वर्ल्ड क्रिकेट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी सॉ इन द पीपल कमिंग टू द स्टेडियम वंस द रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, प्लस फिर दूसरा ये कि क्योंकि अब स्ट्रीमिंग अवेलेबल है मोबाइल फोन्स पे, टैबलेट्स पे, हर जगह एक्सेस है लोगों का, तो इट वॉज लाइक आई थिंक फाइनेंशियली अ बूमिंग सक्सेस फॉर बीसीसीआई। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आज 1,05,000 आदमी आने का मतलब ये है कि बीसीसीआई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज नाउ, स्पोर्ट्स बॉडीज नाउ इन द वर्ल्ड। साफ सीधी बात है, दे कैन कंपेयर देमसेल्व्स इफेक्टिवली विद बॉडीज लाइक फीफा एंड व्हाट यू कॉल इट द वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन एंड ऑल, बिकॉज वो पैसा इतना है उनके पास यार। और फिर आज इंडियंस ने बताया कि क्यों वो क्रिकेट से कितनी उनका मतलब कितना ज्यादा उनका लगाव है। और इट्स ए गुड थिंग बिकॉज क्रिकेट जो है ना वो जो पैसा आता है क्रिकेट में इट डजंट कम थ्रू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। जो पैसा आता है वो आता है इंडिया से और फिर दूसरे एशियन मार्केट से जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, लेकिन जो मतलब लायन शेयर है वो इंडिया का यार, साफ सीधी बात है। दैट इज वाई इंडिया सच अ बिग सुपर पावर इन क्रिकेट, दैट इज वाई दे हैव सच अ बिग से, क्योंकि जब ऐसा फाइनल कराओगे तो फिर क्या रहेगा यार। अब मसला ये है कि हमारे वहां मतलब अच्छा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था हाईएस्ट मतलब अटेंडेंस का वो भी अनऑफिशियल इंडिया के पास ही है, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोलकाता में तकरीबन 1,00,000 आदमी आया था। द पॉइंट इज दैट पाकिस्तान के आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान में भी शायद अगर ऐसा फाइनल हो तो लोग आएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये रिएक्शन, हालांकि जो मतलब रिएक्शन है पाकिस्तान की ये जेन्युइन नहीं है, मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। सवेरा पासा को आप जानते हैं, सवेरा पासा का आप देख रहे हो, ये आईपीएल को लेकर एक भी ट्वीट नहीं करती है, एक भी ट्वीट नहीं करती है, लेकिन अपने यूट्यूब पर डेली प्री पोस्ट और हर टाइम मतलब आईपीएल के बारे में बात करती है। तो आप समझ सकते हो आईपीएल को लेकर इनकी है क्या, ये इंडियन मार्केट को पाकिस्तानी लोग मतलब अब पाकिस्तान में हर बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा यूट्यूबर इंडियन रिएक्शन इंडियन ये वो कर रहा है, तो बस आप समझ जाइए ये यूट्यूबर है, यूट्यूब के लिए ये सब कर रहे हैं, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ये कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि ये बहुत पसंद करते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तानी को इसमें खिलाया नहीं जा रहा तो वो कैसे पसंद करेंगे, सीधी सी बात है, लॉजिक ही है। कैसे इंडिया इतना बड़ा मतलब ग्राउंड बनाकर उसमें इतना बड़ा मेला आईपीएल का सजा रहा है तो पाकिस्तानी उसमें खेल नहीं रहे, और पाकिस्तानी देखेंगे तो वो जलेंगे, ये तो मतलब एक ह्यूमन नेचर है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें। वहीद खान एक जेन्युइन बंदा है, हालांकि वो ट्विटर पर इतना एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन वो जो बात कर रहा है वो सही है। बाकी सवेरा पासा और उसका जो हस्बैंड है ये तो मैं बता रहा हूँ जेन्युइन यूट्यूबर है, जैसे रिजवान है, हैदर है, और ये सब जेन्युइन यूट्यूबर हैं, तो समझ सकते हो पाकिस्तान में आईपीएल को लेकर 99% में बोल रहा हूँ वो लोग नफरत करते हैं आईपीएल को देखकर, क्योंकि पाकिस्तानी उसमें खेल नहीं रहे तो उनकी नफरत भी जेन्युइन है। अगर पाकिस्तानी खेलेंगे तो वो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, देखेंगे और सब कुछ आप समझ सकते हो। आपको क्या लगता है ये वीडियो देखने के बाद प्लीज कॉमेंट में अपनी राय दे।